नमस्कार दोस्तों, आइए देख लेते हैं कैसी रह सकती है कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की चाल। पिछले वीडियो में जैसा हमने डिस्कस किया था, दोनों ही इंडाइसेस में एक्सपायरी होने के कारण हमें एक रेंज बाउंड मोमेंट देखने को मिला। इस वजह से अगर हम देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में सारा दिन काम किया। इस हिसाब से अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट जो बन के हमें दिखाई दे रहा है वो है 49,600 से 49,700, और एक सपोर्ट जो यहाँ पे बन के आ रहा है वो है 49,800 से 850 का लेवल। अब अगर कल के सत्र में निफ्टी फ्लैट ओपनिंग के साथ ऊपर की ओर 850 को ब्रेक करता है तो हमें एक तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है, जो कि 50,000 से 50,100 तक लेवल तक जा सकता है। अगर फ्लैट या गैप अप के साथ मार्केट 49,600 650 के लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट के साथ चलते हुए हमें 49,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह निफ्टी में भी अगर कल के दिन हमें गैप डाउन के साथ 24,100 का लेवल टूटता हुआ दिखाई देता है तो हमें 24,025 से 24,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट ऊपर जाते हुए 24,200 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें कल 24,250 से 300 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो इस समय निफ्टी में 24,200 पे हमें डिसेंट कॉल एंड पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। इस हिसाब से अगर कल मार्केट फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप के साथ ओपन करता है और 200 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है और मार्केट 200 से 250 और 24,300 तक के लेवल दिखा सकता है। न्यूज़ की बात करें तो यूएस का वीकली जॉबलेस क्लेम डेटा जो आज रिलीज हुआ है उसको हम देखें तो वो 1 मंथ के लो पे आया हुआ है, जो कि मार्केट के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। साथ ही कल यूएस के सीपीआई इंडेक्स के डेटा रिलीज हुए जो कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही थे। अगर हम इंडिया बात करें तो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो भी 5 साल के सबसे लोएस्ट पे आया है, जो कि अभी 3.54% पे है। तो अगर हम ग्लोबल एंड डोमेस्टिक न्यूज सेंटिमेंट की बात करें तो सभी ही क्यूज पॉजिटिव हैं, इसलिए अगर कल हमें एक गैप अप देखने को अगर मिलता है तो हम एक तेजी का मूड माहौल मार्केट में देख सकते हैं। धन्यवाद।